नमस्कार दोस्तों, आज 18 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला। मंडी में प्याज की टोटल कितनी गाड़ियां हैं, नया प्याज कितना, पुराना कितना, जान लेंगे अपने रजिंदर शर्मा बाबू जी, इनके पास 1, 2, 3 जिसमें दो गाड़ी तो पूरी की पूरी जो है नए प्याज की है। जो नया प्याज आ चुका है ये बिक भी गया और भर भी दिया इन्होंने। जो नए प्याज की राजस्थान कैरथल का है और पुराने की भी गाड़ियां हैं, जान लेंगे आज की क्या पोजीशन है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ी आई, पहले बताओ कि नए प्याज का कितनी अराइवल आई जी। आज नया प्याज आज 8,000 कट्टा है। 8,000 कट्टा जी। और 3 गाड़ी एमपी से भी नए प्याज की आई है। बल्ले जी, जो कहते थे एमपी में प्याज नहीं है। हाँ जी। तो अभी अलवर तो ढंग से निकलना भी राजस्थान शुरू नहीं हुआ। हाँ जी। और एमपी की प्याज भी आनी शुरू हो गई है। वाह जी वाह, ये तो कमाल कर दिया एमपी वालों ने तो, जो नया प्याज भी आ लिया जी। बिल्कुल आ गया। ये एमपी का कौन सा इलाका है जी? खंडवा। खंडवे का इलाके से आई है। तो प्याज कैसा है जी? वो प्याज हल्का है। अच्छा जी। हाँ जी। इतनी बढ़िया किस्म नहीं है जी? नहीं जी। अच्छा जी। और जो बात करें जी, आपने इसके 5,000 कट्टे बताए जी? 8,000 कट्टा। अच्छा जी। राजस्थान का नया प्याज है। अच्छा जी। हाँ जी। जो इसमें बात करें जी, जो अच्छे प्याज है इसमें कितने परसेंट होगा जी, जो 8,000 कट्टों में से? 10-15%। बाकी सारा मीडियम क्लास ही है जी? मीडियम क्लास है या छोटा है। अच्छा जी। यहाँ बाजार आज निकला 500 रुपए से 1,000 रुपए तक। ये 1200 बिकता था वो 1,000 बिका है आज जी। लेकिन आम प्याज जो है 600-700-800 है। अच्छा जी। जो आम प्याज ये ज्यादातर। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। 600-700 रुपए मण। हाँ। दोस्तों मैं आपको शुरू में बताना भूल रहा, यहाँ जो प्याज का रेट होता है 40 किलो का, मण का रेट चलता है, मण बोलते हैं 40 किलो को जी। और सर जी जो बात करें जी, जो पुराने प्याज की हैं कितनी गाड़ियां हैं जी? पुराने प्याज की 55 गाड़ी है और 80 गाड़ी बैलेंस है। अच्छा जी। 135 गाड़ी है। अच्छा जी। और करीबन 40 गाड़ी प्याज पुराना रोज बिक रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आज 55 आई जी अराइवल नहीं जी। हाँ। तो इसमें नेफेड भी शामिल है जी? नेफेड शामिल है, 11 उसकी है। अच्छा जी। और 44 आरतियों पे। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। और जो बात करें सर जी आज का, इसका जो अपना पुराने वाले प्याज है कल के मुकाबले, जो रोज इसका रेट चल रहा है उसके मुकाबले आज कैसा बाजार है जी? भाई साहब पुराने का रोज 100 रुपए गिर रहा है, मतलब 2 रुपए किलो, 1 रुपया किलो, बढ़िया में 1 रुपए किलो और हल्के में 2 रुपए किलो रोज गिर रहा है। हर रोज नीचे बिक रहा है। अच्छा जी। और यही नहीं। हाँ जी। एमपी की मंडियों में और महाराष्ट्र की मंडियों में इससे भी ज्यादा तेजी से गिर रहा है। अच्छा जी। और मंडियों में आमदनी ज्यादा आ रही है। हाँ जी। क्योंकि उन्हें पता है अब टाइम खत्म हो गया है। हाँ जी। और प्याज खराब हो रहे हैं, रंग बदल रहे हैं। हाँ जी। इसलिए वो बेचेंगे जो भाव मर्जी बिके उन्हें बेचना ही है। अच्छा जी। अच्छा जी। यानी पुराने का ज्यादा टूट गया जी बाजार? बिल्कुल, नया भी टूटेगा जी, नए वाले भी निकाले। अच्छा जी। नया भी अगर रोकेंगे तो नुकसान हो सकता है। अच्छा जी। इसलिए जिनका वजन बढ़ गया है, जिनको लगता है कि अब निकालना चाहिए। हाँ जी। तो निकालें और बेचें। अच्छा जी। जल्दबाजी भी नहीं है। हाँ जी। पर रोकने का काम नहीं है, मुझे कुछ पता लगा कि तेजी के चक्कर में कुछ लोगों ने रोक रखा है। अच्छा जी। 2-4 आदमियों ने तेजी की वीडियो 2 महीने से डाल के किसान और व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। हाँ जी। मैं कहता रहा, उस टाइम लोग मेरी बात का बुरा भी मानते रहे, मुझे कॉमेंट बंद करने पड़े जी। हाँ। तो मैं आपकी क्या, मैं जिन जिन की भी वीडियो बनाता हूँ ना मेरे चैनल पे, हाँ जी, मैंने कई बार उनके भी कॉमेंट बंद करे जी। हाँ। तो इसलिए है क्योंकि सच बुरा लगता है। हाँ जी। अब आज उन लोगों का हाल देख लो जिन्होंने 50 और 100 बताया था। हाँ जी। आज यहाँ प्याज बढ़िया से बढ़िया सुपर 20 रुपए है। अच्छा। तो एक्स्ट्रा आता है तो 25 बिकता है। अच्छा जी। वरना प्याज 15 से 20 रुपए किलो है दिल्ली में। अच्छा जी। तो आपको ये भी लग रहा जी कि किसानों ने तेजी के चक्कर में जो नया प्याज है इसको भी रोक रखा? भी हाँ, रोक रखा है। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। हाँ जी। सुझाव है उन्हें। अच्छा जी। भाई धीरे धीरे बेचे जाओ। अच्छा। इसका वजन बढ़ गया, नहीं जिसका खेत तैयार है। हाँ। ये लगता है कि अब बेचने लायक हो गया, वो बेच दो। और गुजरात की भी मंडियों में प्याज है। हाँ जी। नया प्याज आ गया, गोंडल में सबसे पहले निकलता है। हाँ जी। वहाँ 8,000 कट्टे से भी ज्यादा है। अच्छा जी। और आप ये समझ लो कि इस महीने के आखिर तक वहाँ लाखों कट्टा आ जाएगा गुजरात में। अच्छा जी। तो इसलिए गुजरात से लाखों कट्टा निकलेगा, राजस्थान से लाखों कट्टा निकलेगा, तो कमी कहाँ है। अच्छा जी। जो रोक रहा है उसे नुकसान हो सकता है। अच्छा जी। ये बात है। अच्छा जी। अच्छा। वो सर जी जो बात करें जी, ऐसे पता चल रहा है कि इसके ढेर लगते जा रहे हैं, जो छोटे वाला है इसकी कीमत बिल्कुल भी नहीं मिल रही, जो छोटे वाला ज्यादा जिन्होंने तेजी के चक्कर में छोटी खिर्री गुल्ला ये बोलते हैं। हाँ, छोटे वाले तो छोटा प्याज चाहे नया हो चाहे पुराना हो, बोरिंग टाइप। हाँ जी। उसे बेचने में बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा जी। और उनका रेट चल रहा है 125-150।
पौने 200 रुपए मण जी है, 200 रुपए मण मण। अच्छा जी, मतलब 2.5-3 रुपए से 4-5 रुपए तक बस जी। हाँ, और एक बार यही प्याज जोन से छोटे आए हैं, शायद 12 रुपए तक पहुंच गए थे जी। बिल्कुल आराम से। अच्छा जी, हाँ जी, एक बार 12 तक इनकी पहुंच। बिल्कुल 12, 13, 14, 15 भी बिके हैं एक बार। हाँ जी, लेकिन अब वो रोक के अब ऐसा ही है जी। देखो ये तो जुआ है। अच्छा जी, ये आखिरी जो सितंबर और अक्टूबर नवंबर में, ये तो जुआ है। अच्छा जी, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में या रेल में या जेल में। हाँ जी, और मैं तो पहले अपने व्यापारियों को बताता रहा और सबको आपके वीडियो पे भी कि भैया तेजी नहीं आएगी, आसमानी तूफानी हो जाए तो बात और है। अच्छा जी, वो एक आधी बार दो बार बरसातें हुई तो 2-4-5 रुपए बढ़ गए। हाँ जी, तो लोग सोचने लगे, और जो तेजी में डाल रहे थे लोग, ये तेजी का ज्यादातर चक्कर उनका है जिनके पास माल नहीं आते। अच्छा जी, या जो बिल्टिये बेचते हैं। अच्छा, ये आपको तेजी में रखेंगे ना तभी तो माल आएगा। अच्छा जी, इसी मंडी के एक दो आड़ती मेरे पास मिल के आए। हाँ जी, और कहले भाई साहब आप ये क्या कहते हो रोज की भाई बाजार नहीं बढ़ेंगे। हाँ जी, आप तेजी बताओ तभी तो मंडी में माल ज्यादा आएगा। अच्छा जी, तो अब जिन लोगों की नीयत ही इतनी गंदी है। हाँ जी, कि भाई वो ये नहीं सोचते कि किसान और व्यापारी मर जाएंगे। हाँ जी, और फिर झूठी रिपोर्ट देते हैं जानबूझ के। अच्छा जी, तो बुरी बात है। हाँ जी, ये तो बुरी बात है। हाँ, अच्छा जी, तो यानी इसमें तो काफी नुकसान जा लिया जी। नुकसान अभी और होगा जी, कुछ तो प्याज बिगड़ जाएगा, कुछ भाव गिर जाएंगे। अच्छा जी, जितनी जल्दी बेच ले उतना अच्छा है। अच्छा जी, अच्छा जी। सर जी, आपकी बार तो मेरे पास जो कमेंट आते हैं ना, उसमें वो कहते हैं कि हमारा प्याज से इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो सोच रहे कि प्याज ना ही लगाएं, तो उनके लिए क्या सुझाव है जी? प्याज ठीक रहेगा, प्याज जरूर लगाएं जितना लगाते हैं। हाँ जी, परंतु ज्यादा लालच ना करें। हाँ जी, प्याज अपना अगस्त सितंबर में बेच लें जो स्टॉक करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या इंटरेस्ट खत्म हो गया? अच्छा, आपने तो लालची वाली बात करी कि बहुत ज्यादा कमाई हो जाए। हाँ जी, ज्यादा कमाई के चक्कर में, देखो जिस आदमी ने सितंबर के बाद प्याज रोका है। हाँ जी, मैं उसे किसान नहीं मानता। अच्छा, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। अच्छा जी, जैसे व्यापारी मुनाफा खो रहा है वैसे वो किसान भी मुनाफा खो रहा है। अच्छा जी, आपकी फसल जो है मई जून तक की है। हाँ जी, आपने स्टॉक कर ली पैसे ज्यादा कमाने के लिए। हाँ जी, तो आप भी व्यापारी की कैटेगरी में आ गए। अच्छा जी, पर फिर भी व्यापारी हो या किसान हो। हाँ जी, जून जुलाई अगस्त सितंबर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, लेकिन उससे भी बाद अगर आप प्याज रख रहे हो। हाँ, तो आप ये सोच रहे हो कि मेरे दुगने तिगने चौगने हो जाएं। हाँ जी, तो आप किसान थोड़ा हो, आप भी तो व्यापारी हो। हाँ जी, आप ज्यादा लालच कर रहे हो भाई। समाज में तो रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, तो आपने ये सोचा कि हम बहुत ज्यादा कमाएंगे। हाँ जी, 100 रुपए मण वाली गोपाल की बात बढ़िया लग रही थी। हाँ जी, है जी, कि 10 रुपए मण की प्याज 100 रुपए बिकेगी, 10 गुना मुनाफा चाहिए आपको। हाँ जी, तो भाई अब घट गया तो अब क्यों नुकसान हो रहा, अब क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ जी, प्याज तो हमेशा पैसे देगा, हर साल पैसे देगा। अच्छा जी, पर भैया मुनाफा कमाओ। हाँ जी, बहुत ज्यादा मुनाफे के चक्कर में मत रहो। अच्छा जी, जो बहुत ज्यादा मुनाफे के चक्कर में रहते हैं वही या तो घाटे में जाते हैं। हाँ जी, और यह बहुत भयंकर मुनाफा कमाते हैं। हाँ जी, तो व्यापार है, वो दूसरी तरह का व्यापार है, जुए टाइप। हाँ जी, लेकिन जो नॉर्मल आप प्याज उगाओ, आप स्टॉक करो, आपको हर हाल में हर साल पैसे मिलेंगे। अच्छा, मुनाफा मिलेगा। अच्छा जी, पर भर भर के गप्फे नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, क्योंकि लगने भी ज्यादा लग गया जी, एरिया भी बढ़ गया अभी। फिर भी भाई साहब हर साल 1 करोड़ आदमी नहीं बढ़ जा रहा, 2 करोड़ खाने वाले भी तो बढ़ रहे हैं। हाँ जी, खाने वाले भी बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। हाँ जी, प्याज की लागत में बढ़िया ही होगा। देखो पहले ब्राह्मण नहीं खाते थे। हाँ जी, बणिये नहीं खाते थे। हाँ जी, धार्मिक आदमी नहीं खाते थे। हाँ जी, अब ब्राह्मण बणिये और धार्मिक लोग रोज तादाद बढ़ती जा रही है, प्याज लहसुन खा रहे हैं। हाँ जी, औषधि है जी, तो अब तो काफी बंद। ये लोग 20 करोड़ से भी ज्यादा थे, 30 करोड़ से भी। अच्छा जी, तो 30 करोड़ आदमियों में से हर साल 50 लाख 20 लाख 30 लाख आदमी प्याज लहसुन खाने लग पड़ा है। हाँ जी, एक्सपोर्ट बढ़ गया है क्योंकि सब चीजें सड़कों से भी जा रही हैं और जहाज भी पानी के बहुत ज्यादा बढ़ गए। अच्छा जी, तो लगाने में दिक्कत नहीं है। हाँ जी, पर ज्यादा मुनाफा लालच करने में दिक्कत है। अच्छा जी, उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो। हाँ जी, नुकसान थोड़ा ही है। और जो प्याज का घाटा पड़ गया जी, जिन्होंने रखा है नहीं, प्याज का घाटा प्याज ही पूरा करेगा जी। हाँ, प्याज का घाटा प्याज ही पूरा करेगा। हाँ जी, प्याज में घाटा है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, घाटा तो तब होगा जब आप जरूरत से ज्यादा लालच करोगे। हाँ जी, और
फिर दूसरी बात यह है कि सितंबर के बाद प्याज के हालात बिगड़ जाते हैं। अच्छा जी, जिनके पास बहुत अच्छा रखने का साधन है या जिनका प्याज बड़ा मजबूत होता है, हाँ जी, उन्हीं का प्याज इन दिनों ठीक है। अच्छा है, 25% आदमियों का ठीक है। सर जी, जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें घाटा नहीं है, पर सीजन पे तो इसके रेट ही बहुत कम थे, उस टाइम तो इसमें खासल बहुत ही ज्यादा खासल घाटा था जी। नहीं तो आपने स्टॉक करो ना, बाद में तेज बिकता है ना। अच्छा जी, देखो बरसातों में प्याज पूरे देश में नहीं होता, हाँ जी, कहीं भी नहीं हो सकता, सड़ जाता है, हाँ जी। तो इसलिए देश में जुलाई अगस्त दो महीने तो ऐसे कि प्याज होता ही नहीं, हाँ जी, बल्कि जून 15 के बाद नहीं होता, हाँ जी, और अगस्त में भी 15 तक, 3 महीने तो प्याज चाहिए। अगर स्टॉक नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएगा देश प्याज? अच्छा जी, कहाँ से एक्सपोर्ट होगा? यानी 3 महीने का स्टॉक तो बिल्कुल ओरिजिनल है, करना चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए देश को। अच्छा जी, और एक्सपोर्ट के लिए भी चाहिए। अच्छा जी, तो जो स्टॉक होता है तो बहुत बढ़िया बात है, हाँ जी, वो लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी, पर जो सितंबर के बाद है, हाँ जी, वो फिर मुनाफाखोरी है। अच्छा, नफा नुकसान कुछ भी हो मुझे कोई दुख नहीं अगर नुकसान हो रहा है इस टाइम, हाँ जी, इसलिए कि ये उनको नुकसान हो रहा है जो भारी मुनाफा कमाना चाहते थे। अच्छा जी, जिन्होंने सितंबर तक बेच लिया, अक्टूबर आखिर तक भी बेच लिया, हाँ जी, भारी रुपया कमाया। अच्छा जी, हाँ, तो इनका है ना जी, जो सीजन में इसका एक और रेट नहीं मिलता जी, सीजन में तो हर साल करे ना, पर मुनाफाखोरी जरूरत से ज्यादा ना करे। अच्छा जी, और उसको सितंबर तक बेच ले, अच्छा, बहुत होता है अक्टूबर तक बेच ले, हाँ जी, हाँ जी, ये नुकसान तो नवंबर में ही शुरू हुआ है, अक्टूबर तक तो किसी को नुकसान था ही नहीं, हाँ जी, तो ये बात है। यानी जो उनके जिन्होंने प्याज स्टॉक किया ना जी, हाँ, यदि जो सीजन पे उनका 12 से 15 के रुपए के बीच में बिकता रहे गर्मी का प्याज, हाँ, तो वो बेचने के लिए तैयार है, वो उस समय बिकता नहीं, उस समय जो इसकी प्याज की जो कीमत थी वो 8 रुपए 10 रुपए और भी 6 रुपए तक एक बार कीमत आ गई थी। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। तो कुछ ये भी बोलते हैं कि नेफेड भी जो है इसको बंद करना चाहिए, और कुछ बंदे बोलते हैं कि नेफेड ठीक है, सरकार का सरकारी संस्था माल लेती है, उस समय जो इससे माल लेने से रेट बढ़ जाते हैं, और कुछ जो नेफेड को बोलते हैं कि नेफेड जब अभी सीजन में माल निकालता है तो नेफेड को गालियां देते हैं, उस समय जो कुछ बोलते हैं कि जब नेफेड लेना शुरू करता है कि ये नेफेड बढ़िया है। तो मैं तो आपको पहले बताया था, हाँ जी, कि 2.5 लाख मीट्रिक टन प्याज नेफेड में पड़ा है, हाँ जी, आपसे 2 महीने पहले बताया था, हाँ जी, बेचेगा, हाँ जी, 15 गाड़ी रोज दिल्ली आएंगी, हाँ जी, पूरे हिंदुस्तान में 200-300 गाड़ी रोज निकलेगी, हाँ जी, तो बाजार कहाँ से बढ़ जाएगा? ये अच्छा, बहुत बड़ा एस्पेक्ट था 2.5 लाख मीट्रिक टन का। अच्छा जी, तो लोगों ने एक अफवाह बढ़ा दी झूठी, हाँ जी, जो बिल्टी बेचते हैं या हाँ जो मुनाफाखोर है, हाँ जी, कि नेफेड का प्याज ही सड़ गया, वो तो बेकार हो गया, ये हो गया, इतना बढ़िया प्याज आ रहा है पूछो मत आप। अच्छा जी, हाँ, अभी बढ़िया ही है जी प्याज तो, इतनी गाड़ियां हैं, जिससे पूछो प्याज तो है ही नहीं, प्याज तो है ही नहीं, अरे नहीं है तो अब ये कहाँ से आ रहा है लाखों कट्टे रोज? हाँ जी, हर मंडी में 20-30-50 हजार 60 हजार कट्टा है, कहाँ से आ रहा है? अच्छा जी, और ये हाल तब है जब आरतीयों ने मना कर रहे हैं धीरे धीरे लाओ, हाँ जी, पत्रकार कह रहे हैं धीरे धीरे लाओ, इकट्ठे मत लाओ बर्बाद हो जाओगे। अच्छा जी, और इकट्ठे लाए तो आ जाए 1-1 लाख एक मंडी में। अच्छा जी, ये हाल है, पुराना बहुत है अभी, अभी बैलेंस ये बहुत लोगों को हटा होगा बहुत ज्यादा, ये आप तो मरे, इन्होंने नए वालों को भी मार दिया। अच्छा, अगर ये बेच चुके होते तो नया तेज बिकता। अच्छा, नया 10 रुपए किलो इसलिए कम बिक रहा है क्योंकि पुराने मुनाफाखोरों ने अपना प्याज बचा के रखा जो इससे टकरा गया आके। हाँ जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हाँ जी, एक बस यही है जी, सीजन पे इनको ना 12-15 रुपए का रेट मिलना चाहिए, जो MP वाले हैं और ये अपना जो ये अपना क्या कहेगा महाराष्ट्र वाले हैं, जो सीजन का है, इस सीजन का नहीं जी। उसका राणा जी एक बड़ा छोटा सा तरीका है, हाँ जी, जो 10 एकड़ लगाता है ना, हाँ जी, वो 8 एकड़ लगाए, हाँ जी, लगाए जरूर, ठीक है, 15 रुपए किलो बिकेगा। अच्छा, आप 10 एकड़ लगाते हो, हाँ जी, एक साल पैसे मिल गए, आप अगले साल दूसरे का भी लेके 20 एकड़ लगा देते हो, हाँ जी, तो आपकी गलती है ना। अच्छा जी, आप 10 एकड़ लगाते हो, हाँ जी, आपको लगता है कि भाव कम रह रहे हैं, आप 8 एकड़ लगाओ। और आप एक बार वीडियो में ये भी कह रहे हैं किसानों को और फसलों की तरफ भी जो है रुझान करना चाहिए, और बिल्कुल, प्याज के व्यापारी किसानों को वो फसलें लगानी चाहिए जो सबसे महंगी बिकती है उनके इलाके की। अच्छा जी, महंगे किसान सस्ती चीज लगा के कैसे पैसे वाला बनेगा? जो महंगी चीजों में डील करेगा, हाँ जी, वही तो मुनाफा ज्यादा कमाएगा। अच्छा जी, हर किसान को चाहिए कि उसके क्षेत्र में जो फसल सबसे महंगी बिकती है, हाँ जी, उसे लगाए। अच्छा जी, हाँ,
यानी थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता चला जाए। एक्सपेरिमेंट क्यों? हाँ जी। अरे जो बढ़िया चीज लगाएगा, महंगी चीज लगाएगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे मिलेंगे। अच्छा जी। हाँ, अब पहले तो लगा के देखनी पड़ेगी उसको। हाँ बिल्कुल। हाँ लगाए, ब्लॉक वालों से बात कर ले, गवर्नमेंट के महकमे सब चीज बताते हैं। अब तो प्राइवेट साइंटिस्ट भी जगह जगह बैठे हैं। अच्छा जी। करने वाला होना चाहिए। हाँ जी। खेती तो इंडस्ट्री से भी आगे है। अच्छा। जो कमा रहे ऐसा कमा रहे पूछो मत आप। हाँ जी, जो कमा रहे वो तो पूरे बिल्कुल गड़ियां लेके कार लेके घूम रहे जी। बिल्कुल। और जो बिल्कुल ही देसी तरीके से चल रहे अभी पुराने, उससे वो तो बेचारे वो ही गम छा लेके बिना नॉलेज के चल रहे हैं ना, बिना उसके दिमाग तो लगाना पड़ेगा। व्यापार है अभी। हाँ जी। धन्यवाद सर जी। अपनी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? मेरी दुकान का नाम है राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334 नई सब्जी मंडी, आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है मेरा 98102 61648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने का।